आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना पैन कार्ड मात्र 5 मिनट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिजिटल कॉपी आपको आपके मेल पे आधे से 1 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, और जो फिजिकल कॉपी होता है वो आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे 1 हफ्ते के अंदर में डिलीवर हो जाएगा। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है उसी का यूज करके आपका पैन कार्ड बना दिया जाए और उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ना देना पड़े, तो आप इस प्रोसेस से बहुत ही जल्दी अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आधे घंटे के अंदर में का पैन कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइज, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ आजाद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो पैन कार्ड अप्लाई किया था वो कितना देर लगा मेरा बनके रेडी हो गया। तो गाइज, यहाँ पे मैंने मेल को अपने ओपन कर लिया है और यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, पैन एप्लीकेशन जब मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना हो रहा है, 11:51 मिनट, और यहाँ पे डियर सर मैडम और यहाँ पे जो भी नाम लिखा है और ये एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर दिया था, जिसका रिसीप्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब मैं इसको बैक करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ मेरा पैन कार्ड जो है कितना देर लगा और कितने देर में बन गया। तो यहाँ पे मैं इस मेल को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए पैन अलॉटमेंट लेटर्स फॉर, यहाँ पे वही अलॉटमेंट लेटर है और नीचे यहाँ पे टाइम देखिए 1:36 मिनट दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे जो पैन कार्ड है मेरा वो यहाँ पे नीचे इस PDF फाइल में है। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैंने पैन कार्ड को अप्लाई किया था तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लगा और मेरा पैन कार्ड जो है वो बनके रेडी हो गया। तो गाइस, पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है NSDL। जी हाँ दोस्तों, आपको NSDL लिख के सर्च कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे NSDL लिख के सर्च कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट वेबसाइट शो हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने इस वेबसाइट पर क्लिक कर दिया, अब ये जो वेबसाइट है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है एप्लीकेशन टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे देखिए टाइटल लिखा है, आपको इस पर क्लिक करना है और श्री श्रीमती कुमारी जो भी है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखा जाएगा लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम, तो आपको इसको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा डेट ऑफ बर्थ, तो आपके आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर यहाँ पे मान लीजिए 2005 अगर है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस पैटर्न में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है। यहाँ पे ऐसा ईमेल आईडी लिखना है जो आप यूज करते हैं, क्योंकि जो पैन कार्ड है वो डिजिटली आपके इसी मेल पे डिलीवर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टिक लगाना है और इसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरा पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, इस टोकन नंबर को आपको नोट कर लेना है या फिर आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लिखा है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दूसरा जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको अगर अपने आधार कार्ड से ही बनाना है अपना पैन कार्ड, जिसमें आपको फोटो सिग्नेचर कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी आधार कार्ड पर डिटेल है वो सेम टू सेम आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा और इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC e-sign पेपरलेस, तो आपको इसी पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, आपको फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए जो आपके पोस्ट ऑफिस से आएगा, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट है जो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई हैव बाई एग्री, आपको यहाँ प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। देखिए क्या लिखा है, आई हेयर बाई एग्री डेट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार सेल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे फोटो है वही प्रिंट होगा आपके पैन कार्ड पे। नेक्स्ट आपको नीचे करना है और नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो आपका जो भी डिटेल फिल किए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है जेंडर, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है हैव यू एवर बीन नॉन बाई एनी अदर नेम, अगर आपका कोई दूसरा भी नाम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाई फर्निसिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम लिख देना है, एवन मैरिड ओमेन शुड फिल इन फादर्स नेम ओनली, अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अगर आप एक डाल दीजिएगा तो यही जो
नाम है वो आपके पैन कार्ड पे प्रिंटेड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा है पेरेंट्स नेम टू प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, आप किसका नाम अपने पैन कार्ड पे प्रिंटेड चाहते हैं आपको यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो फिल कर दिया है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपका जो भी डिटेल है उसको सेव करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो आपने जो डिटेल फिल किया है उसको यहाँ पे फिल करके सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपका लॉग आउट हो जाता है या बाहर भी आ जाते हैं फिर भी आप टोकन नंबर से जब एंटर करेंगे तो आप इसी पेज पर आएंगे। तो आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे नो इनकम पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे रेसिडेंस जो दिखा है वो यहाँ पे देखिए लिखा है द एड्रेस यूज इन आधार कार्ड वुड बी यूज पैन एप्लीकेशन। यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स आधार कार्ड पे होगा वही आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा, आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है, उसी एड्रेस पे आपका जो पैन कार्ड है वो डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी बॉक्स जो है वो ओपन नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखिए कोई भी बॉक्स जो है ओपन नहीं होगा। यहाँ पे ऑफिस एड्रेस जो आपको यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है। नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कंट्री कोड, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो भी कंट्री है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए एसटीडी कोड टेलीफोन नंबर जो है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखे ले रिप्रेजेंटेटिव एसएसएस, आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एरिया कोड एओ टाइप ऑरेंज कोड जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे इंडियन सिटीजन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मेरा जो भी सिटी है यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे देखिए आ गया मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे शो हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर जो है वो आपका ये फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड दिखाई देगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड दिखाई देगा और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पे आधार कार्ड ही दिखाई देगा। आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। हिमसेल्फ हरसेल्फ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस आपके अपने पोस्ट ऑफिस या फिर घर का नाम जो भी है यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी डाल दिया और यहाँ पे डेट ऑफ डेट जो है आज का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है यहाँ पे सबमिट हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कन्फर्म डिटेल। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी डिटेल है वो कन्फर्म करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, आपने लास्ट का 4 डिजिट डाल दिया था, अब आपको यहाँ पे फर्स्ट का 8 डिजिट यहाँ पे डाल। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है, आपका क्या डिटेल है जो भी है वो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपको नीचे आना, सारा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर कोई भी दिक्कत होता है आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और उसको सही से फिल कर देना है, और अगर सब सही है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो मेरा सब सही है, यहाँ पे मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। तो गाइज अब आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है ऑनलाइन पेटीएम पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे 106 रुपये का पेमेंट करना है। आपको यहाँ पे जो भी चार्जेस है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे पेमेंट का जो पेज है वो यहाँ पे आ गया है। आप चाहते हैं कि इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर दें तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली अपने पेटीएम से या फिर फोनपे से आपको स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका जो पेमेंट है वो कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो पेमेंट है इसका अपने पेटीएम से कर रहा हूँ, और पेमेंट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि क्या आगे का प्रोसेस जो है वो दिखाई क्या होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, जैसे कि आपको आवाज़ भी सुनाई दिया होगा, यहाँ पे पेमेंट मेरा हो गया है। अब ये जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेमेंट मेरा सक्सेस हो गया है, जो भी पेमेंट मैंने किया था। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फॉर। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे ये बॉक्स जो इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देता हूँ। ऑथेंटिकेट का मतलब मैं आधार कार्ड से इसका ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ, जिससे ओटीपी मेरे आधार नंबर पे जाएगा और उसको मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा मेरा आधार नंबर जो है वो सही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, ये रिक्वेस्ट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज अगर आपके साथ भी ऐसा ऑथेंटिकेट करने के बाद अगर ये सीजन डाउन हो जाता है, जैसे सीजन एक्सपायर लिख देता है, तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको फिर से लॉग इन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को अपने ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा NSDL। यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे NSDL लिख दिया है और यहाँ पे ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है। और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से लॉग इन करेंगे।
है। जैसे कि हम आपको बताया था कि आपको टोकन नंबर है उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है। आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू विद एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और जो टोकन नंबर आपको बोले थे स्क्रीनशॉट मारने के लिए रखने के लिए वो आपको यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। उसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। गाइस मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे फिर से मुझे ये पेज दिखाई दे रहा है कंटिन्यू विद ई केवाईसी, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद ई केवाईसी पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखिए मेरा जो यहाँ पे दिखा ओटीपी है सेंड टू द मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर जो आधार कार्ड का जो नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से उस आधार नंबर पर क्या करेगा यहाँ पे ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कंटिन्यू विद ई साइन, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिखाएगा प्लीज नॉट आधार, यहाँ पे आगे देखिए जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे आपके सामने शो होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है फिर से आपको आधार नंबर डालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ अपना आधार नंबर जो है वो यहाँ पे फिर से जो है वो फिल कर देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ फिर से मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, इससे क्या होगा मेरा सिग्नेचर वेरीफाई ओटीपी को मैं यहाँ पे फिर से एंटर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे इसको भी आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट मार लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि यहाँ पे क्या लिखा था अगर उतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो। अब यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड पीडीएफ, तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। आपने देखिए क्या लिखा है कि द फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड द पासवर्ड टू ओपन द सेम इज डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या करना है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपने फिल किया था, और डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है आपको कोई भी ऑब्लिक का निशान नहीं देना है और आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मान लीजिए अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 है तो मैं क्या लिखूंगा 0101 और 2001 ऐसे लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी है आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे सेव भी कर दिया है। तो गाइस फाइनली आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आपके 1 घंटे में आपके मेल पे जो है इसका डिजिटल फोटोकॉपी आ जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर में आपके एड्रेस पे ये जो पैन कार्ड है वो डिलीवर हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।